हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आरसी देवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। वैसे आपको सबको पता है कि हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और अब तक हम जिस टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं, एल्कोल फिनोल ईथर तक जितने 2013 टू 2019 तक नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, वो रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड और एसिड डेरिवेटिव। इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड, 12th क्लास एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन बाय विच बेंजिल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कि वो कौन सी रिएक्शन है जिससे बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया है नीट 2013 में। पहली जो रिएक्शन दी हुई है वो बेंजीन रिंग की रिएक्शन COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 में करवाई है। तो मैं बता दूं, ये रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन का नाम अगर मैं बात करूं, रिएक्शन का नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है। ये हुई कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, इसमें एल्डिहाइड बनेगा। फिर सेकंड है जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, यहाँ किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती। आपको पता होगा कि जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेट HCl जो रिएजेंट यूज में आता है, ये रिएजेंट यूज में आता है, वो आता है क्लेमेंसन रिडक्शन में। और क्लेमेंसन रिडक्शन किसका रिडक्शन करता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में, बट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो इसका रिडक्शन ये नहीं करता है। तो यहाँ बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमसे तो यही पूछा है कि किसमें बेंजिल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा, तो आंसर तो क्लियर हो गया कि सेकंड इसका आंसर आने वाला है। जो थर्ड रिएक्शन है CrO2Cl2CH2, ये भी वेल नोन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, और इस इटार्ड रिएक्शन से भी बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ रिएक्शन COCl H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, ये भी आपको पता होगा, दिस इज रोजनमुंड रिडक्शन। तो इसका मतलब इसमें भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का जाने वाला है वो सेकंड जाने वाला है। अब मैं एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाटरमान कोच रिएक्शन की बात करता हूँ। देखिए गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। गाटरमान कोच रिएक्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। गाटरमान कोच रिएक्शन है क्या? गाटरमान कोच रिएक्शन जब एरोमेटिक बेंजीन या बेंजीन की रिएक्शन आप करवाते हैं CO+HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एरोमेटिक बेंजिल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन कैसे हुई है वो देखें कि सबसे पहले CO+HCl रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे HCOCl, और ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है, और ये कंपाउंड तुरंत रिएक्ट करेगा किससे, HCOCl, और ये रिएक्ट करेगा किससे, AlCl3 से। AlCl3 Cl को हटा लेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ये एग्जांपल है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और बन जाएगा आपके पास बेंजिल्डिहाइड। ये तो बात हुई फर्स्ट रिएक्शन की जो हमने अभी बात की है। सेकेंड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, तो देखें जब आप टोलुइन की रिएक्शन CrO2Cl2CH2 से या फिर CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O, Ac2O का मतलब है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ भी एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट बनता है वो ये वाला है CHO
CrOH ClOH और Cl, ये वाला इंटरमीडिएट बनता है। इसमें भी एक इंटरमीडिएट बनता है और इसको हम बोलते हैं CHOCOCH3 और यहाँ भी COCH3। इन दोनों ही कंपाउंड का, इसको तो बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, CHO बनेगा। इसका अगर करवाएं हाइड्रोलाइसिस तो भी क्या बनेगा, CHO बनेगा। ये दोनों ही रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, ये एग्जाम्पल है इटार्ड रिएक्शन का। तो इसमें भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जो लास्ट रिएक्शन जो मैंने बात की है और जो ऑप्शन में अपन को दी हुई है, वो रिएक्शन दी हुई है कि एसिड हैलाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो या फिर ये वाला हो RCOCl, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं PdBaSO4 और H2 से। तो रिएक्शन का नाम मैंने बोला है कि इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, और ये इसका रिडक्शन करेगा, एसिड हैलाइड से इसको रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में और बन जाएगा ये वाला। तो इन तीनों रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। केवल जो है एक जगह आपको बेंजोइक एसिड की रिएक्शन क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट से करवाई है, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, उसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड। ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है, पहले उसको देखें, उसके बाद इन कंपाउंड की हम बात करें। तो देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो ये जो स्टेप होती है वो होती है स्लो और आरडीएस। ये कैसे होता है, ये होता है स्लो और आरडीएस। तो यहां जो बनता है ये ओ माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल टेट्राहेड्रल आपके पास क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपके पास बन जाता है। अब इसके बाद बात करें कि इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाता है। तो आप ये देखिए स्लो और आरडीएस स्टेप ये है और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये सेंटर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बन रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे जितनी जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे जितनी जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब इस पे जल्दी अटैक कब करेगा, तो उसके लिए दो फैक्टर हैं। एक तो कौन सा फैक्टर है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज का, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे जो यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जिसके कारण यहां पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए और न्यूक्लियोफाइल जल्दी से जल्दी अटैक करे। तो एक कंडीशन तो यह हुई कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी कंसेप्ट से माइनस आर माइनस एच माइनस आई सिंपल, फिर प्लस, उसके बाद प्लस आर, ये वाला हम कंसेप्ट हुआ एक तो ये वाला। दूसरा ये है कि ये जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अप्रोच कर रहा है तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होनी चाहिए, बोले तो यहां पे भीड़ कम से कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे ये जो ग्रुप लगे हुए जितने छोटे होंगे ये न्यूक्लियोफाइल उतनी ही जल्दी यहां क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा। तो दूसरा मैंने बोलूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी,
कि यदि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कंसेप्ट है। अब अगर हम बात करें तो हम पहला कंसेप्ट ये आता है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के कंपेरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो अपने पास ये आया है कि मैं ये बोल दूं कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कीटोन से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। तो देखो एल्डिहाइड तो हुआ ये वाला CO, एक तरफ H और एक तरफ R, ओके, और कीटोन हुआ ये वाला R CR डबल बॉन्ड O, ये हुआ कीटोन वाला। तो पहले अगर देखिए तो यहां एक का प्लस आई लग रहा है और यहां दो का प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस आई यहां दो का लग रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, एल्डिहाइड। इस कंसेप्ट से देखा। दूसरा कंसेप्ट देखें तो यहां पर एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस किसका लग रहा है, एल्डिहाइड में एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, जबकि यहां किसका लग रहा है, दो एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। साइज बड़ा किसका हुआ, एल्काइल ग्रुप का। तो इन दोनों ही कंसेप्ट से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि एल्डिहाइड, जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ओके, अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला एल्डिहाइड है, ये दूसरा भी एल्डिहाइड है, तीसरा भी एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन। तो कीटोन तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि मैंने बोला जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब ये बाकी सब एल्डिहाइड है, तो देखो यहां CH3 का क्या लगने वाला है बेटा, प्लस H, ये क्या है, सिंपल। इस पे NO2 का क्या लगने वाला है, माइनस R। अभी मैंने बोला रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस R, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, 4, उसके बाद सिंपल फर्स्ट, उसके बाद कौन हुआ, 3। अब आप क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, Which one is most reactive towards nucleophilic addition reaction? तो most reactive जो है वो है 4th, तो answer जो जाएगा वो जाएगा 4th। ये आया है AIPMT 2014 में, समझ में आ गया होगा। साथ में nucleophilic addition reaction का concept भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं next question. Which one of the following order of acidic strength is correct? तो मैंने पीछे भी बताया है कि acidic strength में सबसे पहले OH bond आएगा, OH बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जनरली, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन में भी सबसे पहले सबसे कम किसकी, sp3 कार्बन हाइड्रोजन की, फिर ज्यादा किसकी, फिर sp2 कार्बन हाइड्रोजन की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिक नेचर है। और OH बॉन्ड में सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है फिनोल, उसके बाद आता है H2O, और उसके बाद आता है एल्कोल। यहाँ एल्कोल क्या नहीं होना चाहिए, बस मेथेनॉल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी एल्कोल हो। तो इस ऑर्डर से देखें तो OH बॉन्ड की बात करें तो OH बॉन्ड वाले दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले, तो सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले दिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद फिनोल हमें यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, उसके बाद वाटर, तो वाटर इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसकी खत्म हो गई, वाटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो थर्ड और फोर्थ में से चूज करना है। उसके बाद एल्कोल, तो इसमें एल्कोल है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। ओके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट सी वॉज ऑब्टेन फ्रॉम मेटा नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में आपको CN माइनस H प्लस से रिएक्शन करवाना है, उसके बाद HCl और हीट देना है। तो बोला है प्रोडक्ट C हुड बी, तो C वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, तो देखिए आप इधर इस रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है, आपको हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है मेटा नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, ये NO2, ये COH, और आपको दिया हुआ है CN माइनस। मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक, और ये यहां से यहां जैसे आएगा ये बनेगा पहले,
NO2, उसके बाद यहां आया आपके पास COH और ये H और ये CN। यहां पे अगर मैं बताऊं तो अगर स्टेप से लिख देता हूं मैं, यहां पे H और यहां हो गया O माइनस। अब आपके पास सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है उसने, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बना आपके पास वो ये वाला बन गया NO2, फिर उसके बाद CH, ये OH और ये CN। यहां तक ये जो स्टेप आया है, ये कंपाउंड आया है अपना B, ये जो कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड आया अपना B, ये कंपाउंड है आप देख सकते हैं यहां तक B। फिर करवाया है कि HCl और हीट, तो आप ये देखें कि HCl और हीट की बात की है तो HCl, तो यहां जो HCl दिया हुआ है वो आपको डाइल्यूट HCl दिया हुआ है, और आपने पढ़ा होगा कि जब CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक मीडियम में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां भी ये जो CN है वो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, और यहां पे ये जो स्टेप है वो है हाइड्रोलाइसिस, और यहां फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, COH में। तो ये NO2 और ये CH, दिस इज फाइनल आंसर, ये वाला आपका फाइनल आंसर आने वाला है। तो आपसे पूछा सी, ये वाला क्या आएगा, सी आएगा। अब ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोर्शन पे फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, मतलब पहले साइनोहाइड्रिन बनाया फिर साइनोहाइड्रिन का क्या करवाया है, हाइड्रोलाइसिस करवाया है। CN ग्रुप का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये एमाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेट एनओएच सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इज आर। बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण की अभिक्रिया गर्म सांद्र एनओएच से करवाने पर उत्पाद क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आप इधर, आपको एक तो दिया है ये और एक दिया है बेंजल्डिहाइड ये, ओके, और यहां रिएक्शन करवा रहा है किससे, कंसंट्रेट NaOH से। तो आप इन दोनों में ही देखें, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के ही पास एल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट, इनके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो कार्बोनिल कंपाउंड के पास और बेस दिया हुआ हो तो एक वेल नोन रिएक्शन होती है जिसका नाम है केनिजारो रिएक्शन। तो यहां जो रिएक्शन होने वाली है वो है केनिजारो रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा सा यहां रिपीट कर देता हूं कि यदि एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके बाद यदि बेस दिया हुआ है, डाइल्यूट बेस दिया हुआ है, तो जो रिएक्शन होती है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, और यदि एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो जो रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस में उसका नाम है केनिजारो रिएक्शन। और जब केनिजारो रिएक्शन होती है तो एक बार ऑक्सीडेशन होता है और एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब एल्कोहल बनता है और बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसकी, अब यहां पे दो डिफरेंट आपको एल्डिहाइड दिए हुए हैं तो केनिजारो भी जो होगी वो कौन सी होगी, क्रॉस केनिजारो होगी। दो डिफरेंट है तो क्रॉस, अगर दो सिंपल है तो आपके पास सिंपल केनिजारो होगी, मतलब सेम है तो सिंपल केनिजारो होगी। अब बात ये आती है कि मैंने लिखा कि केनिजारो का जो प्रोडक्ट है वो एल्कोहल बनेगा और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और केनिजारो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर, दोनों ही होते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन से तो बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन से बनता है वो बनता है एल्कोहल, तो हम किसका तो रिडक्शन करवाएंगे और किसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं केनिजारो रिएक्शन के लिए, उसको आप ध्यान रखें, आपके सभी क्वेश्चन सोल्व
होंगे, और उसको कैसे सोल्व करते हैं देखें। ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किनारे रिएक्शन है, अब इसको हम सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं। देखें, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है COH, क्योंकि केनेजारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड होना जरूरी है, कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होती है, इसका अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो इसको कन्वर्ट कर दो CH2OH में, हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दो CH2OH में। यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिंस रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है इसलिए ये एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये तो कंसेप्ट हुआ कि हमें एल्डिहाइड ग्रुप में एक का ऑक्सीडेशन करवाना है और एक का रिडक्शन करवाना है। बट प्रॉब्लम हमारे पास मेनली जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि किसका तो ऑक्सीडेशन करवाएं और किसका रिडक्शन करवाएं। तो देखें, एल्डिहाइड विच मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये इस रिएक्शन का पूरा की पॉइंट है कि वो एल्डिहाइड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है उसका वो ऑक्सीडेशन होगा और अदर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यही हमें करवाना है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो ये वाला और एक दिया हुआ है ये वाला, और यहां दिया हुआ है कंसंट्रेट NaOH। ओके, ये वाला कंसेप्ट दिया हुआ है। तो पहले हम बात करें तो ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो मैं एक बार और बता देता हूं आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है कंपेरेटिव टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपेरिजन में एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि रेजोनेंस से, ये जब रेजोनेंस होता है तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें यह पता लग गया कि दिस इज मोर रिएक्टिव, ये तो हुआ मोर रिएक्टिव, और ये वाला क्या हुआ, लेस रिएक्टिव। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड विच मोर रिएक्टिव, विच आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मोर रिएक्टिव कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस COH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, HCO-Na+। ये बताया मैंने ऑक्सीडेशन पे, और इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2OH में PHCH2OH। मतलब ये वाला आंसर आने वाला है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो, ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेकंडों में, तो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। देख सकते हैं आप, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें ये दिया हुआ है, तो आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। क्लियर, ये मैंने केनेजारो रिएक्शन का कंसेप्ट भी बताया, साथ में इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, एक आपको रिएक्शन दी हुई है, पहले रिएक्शन कराई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, PCl5 से, एल्कोहलिक KOH से, द प्रोडक्ट सी इज, और पूछा प्रोडक्ट सी क्या होगा। तो आप देखें, AlCl4 जो है वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये मोस्ट
ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को एल्कोहल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है, सी एच थ्री सी ओ एच, और इसकी रिएक्शन कराई है एल आई ए एल एच फोर से, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच में। ये जो प्रोडक्ट आया वो आया आपका ए। फिर इस प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाई PCl5 से, तो SN2 रिएक्शन होगी, और इस OH की जगह क्या सप्लाई हो जाएगा, Cl सप्लाई हो जाएगा, CH3 CH2 और ये Cl, ये बन जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है एल्कोहलिक OH, एल्कोहलिक OH क्या करता है, ये करता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में क्या बाहर करेगा, ये HCl, तो ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ वाली हाइड्रोजन और ये Cl क्या हो जाएंगे, बाहर, और फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सी एच डबल बोन्ड सी एच टू। देखिए क्या है, इथाइलीन, यस इथाइलीन यही होता है, तो फर्स्ट आंसर आ गया। एसिटाइल क्लोराइड नहीं बना, एसिटाइलडिहाइड नहीं बना, एसिटिलीन नहीं बना, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2014 में, बट ये थोड़ा सा मैच करता है, नीट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विथ मिथाइल लिथियम गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ये क्वेश्चन AIPMT 2015 का है, थोड़ा सा अलग वे का क्वेश्चन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो उसके पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि मिथाइल लिथियम किसकी तरह बिहेव कर सकता है, CH3Li किसकी तरह बिहेव कर सकता है। तो देखिए समझे, जो CH3 है एल आई है, ये है एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। किसका एग्जाम्पल है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का ये क्या है, एग्जाम्पल है। और यहां अगर मैं देखूं तो सी एस थ्री पे नेगेटिव चार्ज और एल आई पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यहां अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि CH3- जो है उसके कारण ये बिहेव एज ए बेस, ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह, बिहेव एज ए बेस। दूसरा CH3- है तो ये दूसरी तरह बिहेव कर सकता है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। अब आपने रिएक्शन करवाई इससे, और यहां दिया आपने CH3Li, और मैं बोल रहा हूं कि ये बेस है, और बेस भी कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। और हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन की जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन, ये किस नेचर की होती है, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर की होती है। तो क्या करेगा ये बेस, यहां से इस एच को रिमूव करेगा, जैसे ही एच को रिमूव करेगा और बनाएगा ये वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव और ये एल आई प्लस, और साइड में आपके पास बन जाएगा सी एच फोर, मतलब ये आपके पास प्रोडक्ट बना है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी इसके एडिशन की, पर एडिशन वाला प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अब देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं। पहला दिया है साइक्लोपेंटेनोइल बाई रेडिकल, तो आप देख रहे हो कि यहां रेडिकल का तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन की तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, फर्स्ट तो नहीं आएगा। बोला साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन, साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन, तो आप देखे साइक्लोपेंटेनोइल, ये साइक्लोपेंटेनोन हो गया, यहां नेगेटिव चल लगा दूं तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन, ये रेजोनेंस भी शो कर सकता है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इन दोनों ही स्पीसीज का नाम होगा वो होगा साइक्लोपेंटेनोइल एनाइन। तो यहां पे जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड, कैटाइन नहीं बना है और
फोर्थ ऑप्शन में रेडिकल दिया, रेडिकल नहीं बना है, इसलिए आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। ओके नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं पहले इनका थोड़ा सा यहां पे ये भी नोन है और ये भी नोन है ये बता देता हूं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O यील्ड फिनाइल हाइड्रेजोन एंड गिव नेगेटिव रिस्पांस टू द आइडोपोम टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट, इट प्रोड्यूस पेंटेन ऑन रिडक्शन, अक्स हुड बी, तो अक्स क्या होगा? देखें आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, C5H10 ये वाला दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है वो, फॉर्म फिनाइल हाइड्रेजोन, कि ये फिनाइल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है फिनाइल हाइड्रोजन, ये मतलब फिनाइल हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हैव कार्बोनिल ग्रुप, इसका मतलब है हैव कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा आपसे बोला है कि नेगेटिव विथ टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब तो ये हुआ कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट आगे सेकंड में बोल रहा है कि टोलेंस रिएजेंट के लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, मतलब इसमें CHO ग्रुप नहीं है, 100% ये क्या है कीटोन है। तीसरा बोल रहा है नेगेटिव विथ आइडोफोम, आइडोफोम टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ COCH3 ग्रुप, मतलब ये ग्रुप क्या है इसमें एब्सेंट है। अब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई और बोल रहा है कि रिडक्शन जब करवाओगे, इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या दे रहा है, ये एन पेंटेन दे रहा है, ये रिडक्शन से मिल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इंफॉर्मेशन ऑप्शन चेक करोगे तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, आंसर जो है एल्कोहल की पॉसिबिलिटी नहीं है, एल का मतलब एल्डिहाइड ये नहीं है, टू पेंटेन ऑन ये वाला होता है, पर टू पेंटेनोन में ये ग्रुप आ गया, ये तो आइडोफोम टेस्ट देगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, तो आंसर क्या जाएगा वो जाएगा फोर्थ, थ्री पेंटेनोन इसका आंसर जाएगा। ओके नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विथ ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन इज, आपको स्टेटमेंट बोला है और कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बोला है कि विद एन हाइड्रोजन एटम एंड इट्स कार्बोनिल अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित के लिए सही कथन है, तो आप पहले यह देखें कि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप जो भी है, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, कि यहां पे अगर मैं एच लगाऊं तो एल्डिहाइड, आर लगाऊं तो कीटोन, और ये इसका अल्फा कार्बन और इस पर लगी हुई ये हाइड्रोजन, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इट इज एसिडिक इन नेचर, ये किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। अब ये एसिडिक नेचर की हाइड्रोजन क्यों होती है, देखो अगर यहां से H प्लस बाहर गया, किस फॉर्म में बाहर किया मैंने, H प्लस फॉर्म में, तो आपके पास बना ये वाला कार्बेनाइन, और ये वाला जो कार्बेनाइन है ये स्टेबल है, वो है रेजोनेंस के द्वारा, और जब ये रेजोनेंस जो करेगा तो आपके पास बनाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ माइनस, और इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। तो ये एसिडिक नेचर का क्यों हुआ, उसका रीजन क्यों हुआ, उसका रीजन एसिडिक नेचर की क्यों है, बिकॉज इट्स कॉन्जुकेटेड बेस स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस,
इसका कॉन्जुकेटेड बेस है वो किसके द्वारा स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, और एल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि हमें ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, कंसेप्ट मैंने बता दिया है। ऑप्शन को अगर पढ़ें तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विथ इट्स करस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। ओके, पहला बोल रहा है कि ये जो कार ये है H और ये H, ये यहां से यहां और ये यहां से, और रैपिडली इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, इनोल के साथ रहता है, और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। तो यहां तक का स्टेटमेंट तो सही है, ए कार्बोनिल कंपाउंड विद एन हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद करस्पोंडिंग इनोल, यहां तक तो सही है, डेफिनेटली कीटो इनोल टोटेमरिज्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, दिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक आइसोमेरिज्म, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन। ना, इस प्रोसेस को हम एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, तो गलत हो गया ना, बोल रहा है कि दिस प्रोसेस को हम एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन कहते हैं, तो ऐसा तो एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं है, कीटो ग्रुप इनोल में कन्वर्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड बोला है ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद करस्पोंडिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनिलेशन, तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती, इसका कोई भी कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि ये जो प्रोसेस है वो टोटोमेरिज्म है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड बोला है कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पोंडिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल, क्योंकि यहां तो बना है इनोल और ये क्या है कीटो, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है सही। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स एल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट विद इट्स करस्पोंडिंग इनोल, तो ऐसा नहीं है कि इनोल में जाएगा, हो सकता है उसका इनोल स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, बट इनोल का कंटेंट बनता है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कीटो फॉर्म जनरली मोर स्टेबल होता है। मैंने एक पीछे क्वेश्चन करवाया आपको टोटोमेरिज्म का, उसमें आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, फोर्थ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2-diol फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर, एक बार तो दिया है आपको ये वाला, सिस, ठीक है, दोनों ओएच क्या है सेम साइड, ये फॉर्म कौन सी है सिस फॉर्म, एक बार आपको ये वाला दिया है, दोनों ओएच अपोजिट साइड, ये है ट्रांस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट हुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2-diol फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर, मतलब इन दोनों में हम किस रिएजेंट से दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो रिएजेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो देखो ओजोन जो है, ओजोन इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ओजोन जो है 1,3-dipole species होते हैं, तो ओजोन तो अनसेचुरेशन मतलब डबल बोन ट्रिपल बोन पे रिएक्शन करता है, तो यहां तो कोई ओजोन की एल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। MnO2 क्या है, MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो दोनों का ही ऑक्सीडेशन करेगा, वो इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो अगर दोनों का ऑक्सीडेशन कर दिया तो हम इससे दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की बात करूं तो ये भी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिएक्शन आती है ओपेनो और ऑक्सीडेशन उससे हम पढ़ते हैं, तो यहां भी ये यूजफुल नहीं है। बट अगर एसीटोन की बात करें तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी सी डबल बोंड ओ और ये सी एच थ्री, सी डबल बोंड ओ और ये सी एच थ्री एसीटोन, और आपने यहां सी से दोनों एच सेम साइड है, तो यहां से ये एच टू क्या होता है बाहर होता है और बनेगा साइक्लिक कीटेल। यहां दोनों ओएच अपोजिट साइड है तो यहां पे नो रिएक्शन, यहां पे
कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएजेंट से हम दोनों में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सिस डाइओल तो एसीटोन के साथ साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन करेगा और ट्रांस डाइओल है वो एसीटोन के साथ साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ प्राइमरी एमीन, एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि आप प्राइमरी एमीन से करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आप इधर, जब कार्बोनिल कंपाउंड आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है तो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है ये अमोनिया हो गया NH3, तो यहां पे ये रिएक्शन एक फिक्स पीएच पे होती है और वो पीएच होती है 4 से 5। आप एनसीईआरटी जाएं और एनसीईआरटी में कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर में अमोनिया डेरिवेटिव के साथ की रिएक्शन की एक पूरी टेबल दी हुई है, बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहां से ये H2 बाहर होता है, आप ये पूरी रिएक्शन की सीक्वेंस है, अमोनिया के साथ इमीन का फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री, एमीन के साथ एल्काइल इमीन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है, सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। ये एक पूरी सीक्वेंस है रिएक्शन की, काफी अच्छी रिएक्शन है, आप इसको ढंग से तैयार करें क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां जो बनेगा वो बनता है NH, इसको हम बोलते हैं इमीन, इसको हम बोलते हैं इमीन। अब मैं क्या करता हूं, वो बोल रहा है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड लिया मैंने और 1 डिग्री एमीन के साथ करनी है, आपको बोला है प्राइमरी एमीन मतलब प्राथमिक एमीन, तो इसके साथ रिएक्शन करोगे तो सेम ऐसे ही होगी H2, ये N, बस केवल यहां क्या लगा दिया मैंने, H की जगह R लगा दिया, तो यही H2 क्या हो गया, बाहर हो गया, यहां वही H2 जैसे इसमें बाहर हुआ ऐसे बाहर हो जाएगा, और जो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा H, ये R डबल बॉन्ड N और ये R, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन, यहां पे H था, H की जगह मैंने R लगा दिया, तो मैं इसको बोल दूं एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इसका नाम हो गया एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमीन को ही हम बोलते हैं दूसरे नाम से जो जानते हैं, वो जानते हैं सिप बेस, इसी का नाम है सिप बेस। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पीछे भी एक बार एक क्वेश्चन आया है ऐसा, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पहले इनोल बनेगा, मतलब यहां पे यहां से H2 का एडिशन होगा, ये OH और ये H, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये OH और इस पे H, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड और ये CH2, इसको हम बोलते हैं इनोल। ये जो प्रोडक्ट बना ये इंटरमीडिएट है आपका A, फिर इसमें टोटोमराइज होगा, ये इनोल से वापस किस फॉर्म में जाएगा, कीटो फॉर्म में जाएगा, और जब कीटो फॉर्म में जाएगा तो CH3COCH3, ये जो आंसर आया है ये है आपका बी। तो इस ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है थर्ड में, पीछे भी ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है तो साइक्लोहेक्सेनॉन की, तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है वो देखें। तो साइक्लोहेक्सेनॉन ये हुआ,
और दो मोल रिएक्ट करेंगे दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन, इनके बीच एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट भी बता देता हूँ और रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताता हूँ। पहले बेस यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एच, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये यहाँ से यहाँ और ये एच यहाँ चला जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आप करवा सकते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा पहला वो बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास, ये कन्वर्ट हो गया किस में, ओ एच में, और ये यहाँ से जुड़ गया, ये वाला बना और यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड ओ। फिर उसने हीट किया है तो हीट से H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और H2O बाहर हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लो, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। अब और अगर डायरेक्ट वे में करवाना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो कि ये वाला आप डायरेक्ट कैसे करवाओगे, ये आपने लिया C डबल बॉन्ड O और दूसरा आपने लिया CA और ये H2, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये H2 आप क्या कर दो यहाँ से बाहर कर दो तो डायरेक्ट आपके पास ये बन जाएगा। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। और आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आनी भी चाहिए, पहले आपको एक न्यूक्लियोफाइल बनाना है, मतलब इसमें मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया है, अटैक करवाया है, पहले इनोलेट आयन बना है, इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है ये H2 यहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो ये वाला आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है फर्स्ट में, तो इस रिएक्शन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है और बोला है कि C2H6O कॉपर 573 केल्विन से रिएक्शन करके A बनाता है, A रिएक्शन करके कुछ बनाएगा OH माइनस, ये एक रिएजेंट दिया हुआ है, फिर ये सेकंड रिएजेंट दिया हुआ है, फिर ये A इस रिएजेंट से रिएक्शन करके, इस रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या देता है, Z देता है। मतलब क्वेश्चन को मीनिंग समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O, ओके? वो कॉपर 573 केल्विन पे रिएक्शन करके कंपाउंड दे रहा है A, उस पे A कंपाउंड दे रहा है, फिर A AgNH3 का होल ट्वाइज OH माइनस हीट, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है OH माइनस हीट, ये एल्डोल रिएक्शन हो गई, एल्डोल रिएक्शन के साथ रिएक्ट करता है, और यहां पे इसको मैं बोल देता हूं कि A इस कंपाउंड से, इसका नाम है सेमी कार्बेजाइड, इसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है, जेड प्रोडक्ट देता है। पूछा है सिल्वर मिरर ऑब्जर्व्ड आइडेंटिफाई A अक्स वाई एंड जेड, यहां पे जब यहां रिएक्शन देता है तो बोल रहा है कि सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखें अच्छा क्वेश्चन है, कई रिएक्शन को कनेक्ट करेगा इसलिए ध्यान से समझिएगा। जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है C2H6O, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले की रिएक्शन करवाई है कॉपर से 573 केल्विन पे। तो आपको बता दूं कॉपर क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेशन, ये करता है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब किसको बाहर करता है, ये H2 को बाहर करता है। यहां बना A, फिर बोल रहा है कि एक ही रिएक्शन जब AgNH3 पॉजिटिव और OH माइनस से करवाई है तो ये है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो बोल रहा है कि सिल्वर मिरर फॉर्म्ड, तो आती है सिल्वर मिरर, मतलब रजत दर्पण का फॉर्मेशन होता है, तो रजत दर्पण का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या इंडिकेशन कर गया कि A हैव एल्डिहाइडी ग्रुप, कि A में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, A हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप, A के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो बना है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, दो कार्बन का एल्डिहाइड आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है CH3COH, A ये है, जो ये वाला जो अक्ष जो दिया हुआ है वो है ये वाला CH3OH, ये H और ये H,
और यहां से मैं बोल रहा हूं कि ये डीहाइड्रोजनेशन करेगा, H2 बाहर करता है, तो ये H2 क्या हो जाएगा यहां से बाहर, और H2 बाहर होने के बाद ये बनेगा। उसके बाद बोल रहा है तो यहां तो ये तो क्या है एथेनॉल, अब आप चेक करते जाना, ये एथेनॉल, ये क्या है एथेनेल, ओके। और इसका जब सिल्वर मिरर टेस्ट बनेगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट है ये, और टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां जो बनेगा वो बनेगा CH3COH, ये बनेगा एसिटिक एसिड। ये बनेगा एसिटिक एसिड। अब वो बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन करवाई किससे, OH- और हीट से, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, OH- हीट क्या इंडिकेट कर गया कि ये रिएक्शन कौन सी है एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। और इसका एल्डोल कंडेंसेशन करने का मैंने अभी मेथड बताया था डायरेक्ट, उसी मेथड से मैं बना रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH और ये H2CH और ये COH, ये H2 बाहर कर दो तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये COH, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यही ए जो कंपाउंड है ये रिएक्ट करता है किससे, सेमी कार्बेजाइड NH2NHCONH2, और यहां से जब रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन और ये H2 क्या हो जाते हैं दोनों बाहर हो जाते हैं, अभी आपको बोला था कि एमीन इमीन वाली रिएक्शन, तो यहां बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N और ये NHCONH2, इसका नाम है सेमी कार्बेजोन। अब हम ऑप्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शन आया है। देखें पहला जो हमारे पास क्वेश्चन को मैं एक बार बताता हूं कि हमें पास क्या क्या बना है, उसके बाद हमसे पूछा क्या था कि Y क्या है, तो Y एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, और Y को अगर हम देखें तो ये वाला हमारा Y है, और इसका अगर नंबरिंग करें हम नेम करें तो ये 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है ब्यूट, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है 2 इन, और ये एल ब्यूट 2 इन एल इसका नेमिंग है। अब आ जाओ जेड जो पूछा है वो जेड क्या है, ये हमारा जेड है सेमी कार्बे जोन हमारा जेड है, और हमसे क्या पूछा है बस यही वाला पूछा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन को चेक करते हैं, देखें ए हमारा क्या था एथेनॉल, तो एथेनॉल कहाँ है केवल ए की ऑप्शन में है ए एथेनॉल, आगे वाले को चेक कर लो, अक्स क्या है एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बात ये की हुई, वाई क्या है वाई अपने पास है वाई जो प्रोडक्ट था वो था ब्यूटेनॉन, तो वाई ब्यूटेनॉन नहीं है, वाई ब्यूटेनॉन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसको देखें सेकेंड ऑप्शन को देखें, ए एथेनॉल है सही है, एथेनॉल का मतलब एल्डिहाइड हो गया, अक्स एथेनॉल है शुरू वाला एथेनॉल है, वाई ब्यू टू इन एल है सही है, और जेड क्या है सेमी कार्बे जोन है, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। को भी थोड़ा सा ध्यान से चेक करना इसमें, क्योंकि पहले अक्स दिया हुआ है बट पहले ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से आपको चेक करना पड़ेगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन, और इससे रिगार्डिंग जितनी भी रिएक्शन है वो सब आपको आनी चाहिए, और उनको मैं बार बार यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड ए सी एट एच टेन ओ इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI प्रोड्यूस बाई रिएक्टिंग वाई विथ NaOH एंड यील्ड ए येलो प्रसिपिटेड विथ करेक्टरिस्टिक्स स्मेल ए एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक यौगिक है C8H10O, एक यौगिक है जो NaOI Y की अभिक्रिया NaOH से करके बनाया गया है, तो NaOI जो है वो Y की अभिक्रिया करके बनाया गया है, तो Y क्या है यहां पे I2 की रिएक्शन यदि NaOH से करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा NaOI, और ये कौन सा टेस्ट है, ये टेस्ट है आपके पास आइडोफोम टेस्ट।
क्षय अभिक्रिया करके बनाया गया है, जो कि लाक्षणिक गंध वाला पीला अवक्षेप देता है, और पीला अवक्षेप किसका होता है? CHI3 का। तो A एंड Y है, तो Y तो हमें पता लग गया कि Y तो I2 है, तो I2 सब में दिया हुआ है, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अब बोला है कि A क्या है, तो A देखो C8H10O है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि पीपीटी बन रही है तो वो हेलोफॉर्म देना चाहिए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि कंपाउंड्स विच गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो समझिएगा भाई, हेलोफॉर्म टेस्ट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेलोफॉर्म का पता नहीं लगता है। मैं बोल रहा हूं आप उस स्केलेटन को ढूंढिए, आपको पता लग जाएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा देता है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड भी ये टेस्ट देता है, बट कंडीशन है एल्किल हैलाइड के पास CH3CH अक्स, ये स्केलेटन क्या होना चाहिए, उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे आपके पास एच हो सकता है, या फिर कोई आर हो सकता है, या फिर कोई एरोमेटिक रिंग हो सकती है। दूसरा एल्कोल कौन सा देगा, एल्कोल भी ये टेस्ट देता है, और एल्कोल में कौन कौन देगा, ये CH3CHOH, ये स्केलेटन होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एच हो सकता है, आर हो सकता है, या फिर पीएच हो सकता है, एल्कोल भी वो टेस्ट दे देगा। तीसरा है कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो CH3CO, और यहाँ पे ये स्केलेटन होना चाहिए उसमें, ये वाला स्केलेटन होगा, तो यहाँ जो है वो H हो सकता है, R हो सकता है, या फिर PH हो सकता है। ये वाले कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको चेक करते हैं, एक बार देख लें। मैंने बोला एल्किल हैलाइड कौन से देंगे, एल्किल हैलाइड ये टेस्ट देते हैं, एल्कोहल ये टेस्ट देते हैं, और कार्बोनिल देते हैं। बट कंडीशन क्या है, एल्किल हैलाइड में ये स्केलेटन मस्ट बी प्रेजेंट, एल्कोहल में ये स्केलेटन मस्ट बी प्रेजेंट, और कार्बोनिल में ये स्केलेटन मस्ट बी प्रेजेंट, तभी वो टेस्ट ऑपरेट होगा। अब आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बेस पे देखें, तो देखो ये वाला स्केलेटन हो गया CH3CHOH, और ये क्या है PH, तो ये वाला टेस्ट दे देगा, ये वाला टेस्ट नहीं देगा, फिनोल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। अब इसको चेक कर लें कि क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, तो फॉलो कर रहा है, तो आंसर जो जाएगा वो पच जाएगा। द वेट्स वेरी वेरी सिंपल हेलोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे दिखता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हो, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपाउंड मोलिकुलर मास कंपेरेबल मोलिकुलर मास इट इज ड्यू टू देयर। ये बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट में ये बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हमें बताना है। तो बोला मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग वांडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन होता है, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर OH बॉन्ड में जितनी पोलरिटी है, वो तो एल्कोहल में भी OH बॉन्ड है। फिर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब तो होता है कि उसी मोलिक्यूल में, यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे करता है, CH3COH और ये CH3 येलो, और इस फॉर्म में ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये बॉन्डिंग कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर एच
बॉन्डिंग। ऑप्शन को चेक करें, कार्बोक्सिलिक मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा सेकेंड। तो यहां तक ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाले कंपाउंड से। तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से देखें, जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोलेंस रिएजेंट बार बार पूछ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो रिएक्शन, ये और साथ के साथ अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की। इनको आप ढंग से देखें, एनसीईआरटी पढ़ें, और आगे वाले जो लेक्चर में मैं जो आपके लिए लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा 2013 टू 2019 में नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, थैंक यू।